अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 5 क्लास 5 का, ये लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का। दैट्स वाई यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम मिड टर्म में अपने कंप्लीट कर चुके हैं और कवर भी कर चुके हैं। सो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कंप्यूटर की बुक्स ओपन कर लेनी है। बुक्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने निकाल लेना है पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखना है, बुक साथ लेके बैठना है। बिल्कुल टॉप पर हमारा सबसे पहले जो हमारा लेसन का नाम है वो है एमएस पावर पॉइंट 2007 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट की डेफिनेशन, ग्रेड 5 के स्टूडेंट पिछले लेसन में पढ़कर आ रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट है क्या। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा हुआ भी है। आगे आते हैं एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड। अब इस चीज़ को हम समझेंगे, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था तो अब हम इसे यूज़ भी करके देखेंगे। एडिटिंग, हम उसमें क्या क्या तब्दीलियां करना चाहते हैं, और फॉर्मेटिंग, हम उसे किस शक्ल में तब्दीली करने के बाद किस शक्ल में हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं। आगे आता है एक वर्ड स्लाइड। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्लाइड, सो व्हाट इज स्लाइड? हम वर्ड पे काम करते हैं, एमएस वर्ड पे काम करते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं वो हमारा होता है वर्ड का वर्क एरिया। लेकिन पावर पॉइंट में जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो क्या होती है? स्लाइड। एक मिनट, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि स्लाइड है क्या। हमारे पास आगे पिक्चर बनी है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये है पावर पॉइंट की स्क्रीन है, मेन पावर पॉइंट की स्क्रीन है। ऐसा होता है हमारा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप लोगों को एक देखें वर्ड की तरह जो एक पेज होता है ब्लैंक वो नज़र नहीं आ रहा, एक डिफरेंट स्टाइल का पेज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये हमारी स्लाइड है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जिस तरह एक के बाद एक के बाद एक क्या चलेंगे, हमारी प्रेजेंटेशंस चलेंगी। अब इस तरह हम इसे देखेंगे कि अब आप लोगों ने देख लिया स्लाइड किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लाइड्स। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये रहा मेरा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है, यू विल लर्न अबाउट हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडिटिंग अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एमएस पावर पॉइंट की एडिटिंग समझेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पर क्या है 2007। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 2007 इसका वर्जन है, यानी ये 2007 में रिलीज हुआ था। उसके बाद 2009, 2010, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 18, फिर 19 जो है पावर पॉइंट के वर्जन जो आ चुके। लेकिन हम कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 2007 वर्जन। आप लोगों को पता है ना क्या होते हैं वर्जन? चेंज होते रहते हैं, जिस तरह दौर बढ़ता रहता है इस तरह वर्जन चेंज। जिस तरह मोबाइल के वर्जन चेंज होते हैं, एक ओल्ड मोबाइल होता है, फिर उसके बाद न्यू न्यू मॉडल के मोबाइल आते हैं। पहले एक कीपैड वाला फ़ोन आता था, अब आते हैं टच स्क्रीन फ़ोन। तो वो फ़ोन्स के क्या हो रहे हैं? वर्जन चेंज हो रहे हैं। इसी तरह पावर पॉइंट के भी थोड़े बहुत वर्जन चेंज होते हैं, उसके अंदर भी चेंजिंग्स होती हैं और आसानियाँ हो जाती हैं। आगे आते हैं फॉर्मेटिंग अ स्लाइड। अब हमें क्या करनी है? स्लाइड को फॉर्मेट करना है एम एस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर 2007 जिसका नाम है। सही है। टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता है वर्ड में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है, तो टेक्स्ट ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, अप चाहिए, डाउन चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं, आप लोग को पता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग भी आप लोगों ने वर्ड में यूज़ करी हुई है। नंबर लगा देना, नंबर लगा के एक सीरीज में चलना, जैसे कि ये नंबरिंग है, और अगर मैं यहाँ पर ये डॉट्स, सिर्फ डॉट 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 डॉट्स लगा दूँ तो वो क्या हो जाएंगे? वो बुलेट्स हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑन स्लाइड। अब हम स्लाइड से क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम पेज पे कलर लगाते थे, पेज पे बैकग्राउंड कलर लगाते थे, इस तरह हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं एडिटिंग, एडिटिंग ग्राफिक्स इन एम एस पावर पॉइंट 2007। अब इस तरह हम क्या करते हैं? बुलेट्स लगाते हैं, छोटे छोटे डॉट लगाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो बुलेट्स हो जाते हैं किसी भी सीरीज़ के अंदर। आगे आते हैं चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑन अ स्लाइड। अब हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आगे आते हैं एडिंग ग्राफिक्स इन एम एस पावर पॉइंट 2007 प्रेजेंटेशन। हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स यानी कलरफुल डिज़ाइन, कलरफुल टेक्स्चर भी एडिट कर सकते हैं किसमें? एम एस पावर पॉइंट 2007 में। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ हमारे रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। रीअरेंज कर सकते हैं यानी जब हमने काम कर लिया, काम करने के बाद हमारी जो स्लाइड्स थी वो आगे पीछे हो गई हैं। अब आगे पीछे होने की वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं? एक सीरीज़ में अरेंज भी कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल सीरीज वाइज आ जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि
सेटिंग अप अ स्लाइड शो। अब हम स्लाइड शो को किस तरह लगाएंगे, अभी तो हमने बात करी जस्ट स्लाइड की, अभी हम सिर्फ स्लाइड की बात करें, स्लाइड को एडिट कर रहे हैं, स्लाइड को बना रहे हैं, स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं, अब हम स्लाइड शो भी तो लगाएंगे। भैया आप लोगों ने देखा होगा ना, एक जो बंदा खड़ा हुआ होता है उसके सामने बहुत सारे ऑफिस के लोग बैठे हुए होते हैं, वो क्या कर रहा होता है, वो स्लाइड शो कर रहा होता है किस चीज़ का, प्रेजेंटेशन का, अपनी प्रेजेंटेशन का जो उसने स्लाइड शो लगाया हुआ होता है। पहले एक पिक्चर आती है, वो उस एक पिक्चर के बारे में डिफाइन करता है, फिर दूसरी पिक्चर आती है, वो दूसरी पिक्चर के बारे में डिफाइन करता है, इस तरह। अब हमें स्लाइड शो भी तो लगाना है, अब ये तो नहीं कि वो बार बार कंप्यूटर में चेंज कर रहा होता है, नहीं, एक बार लगा के खड़ा हो जाता है, वो थोड़ी देर बाद उसको डिफाइन कर देता है तो वो खुद ही खुद आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्राइटेरिया सेट करता है, वो टाइम का क्राइटेरिया सेट करता है कि भाई कितने टाइम में मुझे के मैं कितनी पिक्चर को डिफाइन कर सकता हूँ। अब पढ़ाने वाली मैं हूँ ना, मुझे पता है मैं कितने टाइम में इस चैप्टर को डिफाइन कर सकती हूँ स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से। अब इस तरह उसे पता है कि वो कितने टाइम में एक पिक्चर की एक प्रेजेंटेशन को डिफाइन कर सकता है, इस तरह उसे हम कहेंगे स्लाइड शो, जो कि बैक टू बैक हमारी स्लाइड्स जो हैं वो आएंगी और उस तरह रन करेंगी। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट, कह रहे हैं कि अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को किस तरह क्रिएट किया जाता है। अब इनकी बात भी बिल्कुल सही है, अब आप लोगों ने पढ़िए, कब पढ़िए आप लोगों ने, ग्रेड फोर में पढ़िए, ग्रेड फाइव में प्रेजेंटेशन का एक पॉइंट था बट प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। बहरहाल ग्रेड फोर में तो आप लोगों ने रीड पढ़ा है और फिर प्रैक्टिस भी करिए कि पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह स्लाइड्स को एडिट करते हैं। अब आगे आते हैं, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑफ द स्लाइड्स मेक द प्रेजेंटेशन मोर अपीलिंग टू द ऑडियंस, कह रहे हैं आप स्लाइड्स को फॉर्मेट करके और एडिट करके हम प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। किसके लिए, अपीलिंग टू द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, जो देखने वाली ऑडियंस है उसके लिए प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसे देखने के बाद अच्छा लगे कि कैसे प्रेजेंटेशन है ये भाई, उसे पढ़ने में मज़ा आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कलरफुल हो, प्यारी हो, अच्छे अच्छे से। अगर हम किसके बना रहे हैं, अगर मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्लावर्स की प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो मैं उसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स की पिक्चर्स ऐड करूँगी, तो वो जो फ्लावर्स हो जाएंगे वो फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे मेरी प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टूल्स इन दिस चैप्टर, कह रहे हैं कि अब आप इसके बारे में इस चैप्टर में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग टूल्स के और भी बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे। सही है, अब आगे आते हैं, एक पिक्चर उन्होंने दे दी, क्लिक स्टार्ट कंप्यूटर साइंस फॉर स्कूल, ये इन्होंने एक स्लाइड को एडिट करा हुआ है, जिस तरह मैंने अभी फ्लावर्स की बताई थी, इस तरह इन्होंने क्या करा हुआ है, इसको एडिट करा हुआ है। कैसे, इन्होंने बहुत सारे कार्टून्स की पिक्चर लगा दी, कार्टून्स की पिक्चर लगाने के बाद इन्होंने सेंटर में लिख दिया क्लिक स्टार्ट, उसके बाद इन्होंने लिख दिया साइंस स्कूल, फिर उसके बाद इन्होंने लिख दिया फोर स्कूल्स। सही है, इन्होंने एक स्लाइड्स को एडिट करा हुआ, इस तरह हम भी कर सकते हैं पावर पॉइंट में। अब ये अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, अट्रैक्टिव है, बहुत सारे कार्टून्स की पिक्चर लगी हुई है। सही है, तो अब हम आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है हाउ टू एडिट अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट 2007, कह रहे हैं आप एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड को किस तरह एडिट करना है। सही, एडिटिंग अ स्लाइड रिक्वायर्स मूविंग एंड डुप्लीकेटिंग द टेक्स्ट, कह रहे हैं आप स्लाइड को एडिट करने के लिए आप इसके अंदर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेटिंग यानी कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना, उसका डुप्लीकेट बना दो, उसका सेम कॉपी कर दो, तो कॉपी कर देना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ कॉपी करी कंप्यूटर में, वहाँ पर पेस्ट कर दी, और आसान अल्फाज में कहते हैं तो नकल करना बुरी चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर में इस चीज़ को हम यूज़ कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमने कॉपी कर दी। अब आगे आते हैं, हाउ टू मूव द टेक्स्ट, अब हम टेक्स्ट को किस तरह मूव करवाएंगे। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कट, मूविंग के टेक्स्ट का मतलब है सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करा हुआ है उसे क्या कर दो, कट कर दो, फ्रॉम वन लोकेशन, उसकी अपनी जगह से, यानी एक जगह से, ऑफ अ स्लाइड, उस स्लाइड पर से, एंड पेस्टेड, और उसको पेस्ट करो, ऑन अनदर लोकेशन, किसी दूसरी जगह पर, इन द सेम स्लाइड, उसी सेम स्लाइड पर, और अनदर स्लाइड, और दूसरी स्लाइड पर भी पेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, कॉपी करने का मकसद, एक टेक्स्ट था उसे मैंने सेलेक्ट करा, उसे मैंने कॉपी करा,
कॉपी करने के बाद मैंने उसे उसी स्लाइड पर, नहीं चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, उसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर आके उसे मैंने पेस्ट कर दिया। इसे हम कहेंगे क्या, मूव द टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट को मूव करवा लिया, हमने टेक्स्ट का डुप्लीकेट निकाल लिया, हमने टेक्स्ट की क्या कर ली, कॉपी कर ली। सही, अब हम आगे आते हैं। अब क्या लिखें, क्लिक ऑन होम टैब। अब आपने होम टैब पर क्लिक करना है, क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है, क्लिप बोर्ड ग्रुप पर क्लिक करना है, वहाँ पर लिखा है कट ऑप्शन। ये रहा भाई होम टैब, क्लिप बोर्ड ग्रुप, ये रहा क्लिप बोर्ड ग्रुप, वहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या, कट ऑप्शन। कट ऑप्शन नाम से पता लग रहा है, ये सीजर बनी हुई है यहाँ पे, हमें पता है यही कट ऑप्शन है। प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर द टेक्स्ट इज बी इंसर्टेड। अब आप अपने कर्सर को कहाँ लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट यानी जिस जहाँ पर आप काम करें, वहाँ पर जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपने कर्सर को लेके जाएं। सही, उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब, फिर उसके बाद वापस होम टैब पर आएँ, क्लिक ऑन क्लिप बोर्ड। अब आपने कहाँ आना है, क्लिप बोर्ड पर वापस आना और क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। आपने वापस कहाँ क्लिक कर देना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सही, एक होता है हम राइट क्लिक करके करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं, कॉपी भी है कट भी है सब है। एक होता है ये वाला ऑप्शन, पहले कट पे करें फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद वापस सिलेक्ट कर, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, सॉरी पहले सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने कट पे क्लिक करा। कट पे क्लिक करने के बाद, कट पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं, हम अपने कर्सर को वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है। वहाँ पर पेस्ट करने के बाद, हमें वहाँ पेस्ट करने पर जाने के बाद, उसके बाद हमने कहाँ क्लिक कर देना है, पेस्ट ऑप्शन पे, तो हमारा कर्सर जो हो जाएगा वो पेस्ट हो जाएगा। सही है, अब वो हमारा कर्सर जो होगा उस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई तो अब आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है ऑब्वियसली, दोबारा आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों का वर्क क्या है, आप लोगों को इस चीज़ की क्या करनी है, अंडरस्टैंड करना है, इसे समझना है। और जिन स्टूडेंट्स के पास घर में कंप्यूटर की सहूलत मौजूद है तो फ़ायदा उठाएं ना, घर कंप्यूटर ऑन करें, पावर पॉइंट डाउनलोड करें। जिसके पास सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं अपने कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसके अंदर पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आपको सब कुछ मिलेगा। सही, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोग घर में भी करें, इंशाल्लाह हम लैब में भी इस चीज़ को समझाएंगे, लैब की भी एक लेक्चर बना के अपलोड करेंगे। सही, अब आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना और रिमेम्बर रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।